अब हर रोज सुबह की चाय के साथ। देखिए सुनिए मेरे साथ, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य, आपके लिए लाया हूं दुनिया का खबरनामा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का वहां होने वाले आम चुनावों से पहले भारत का दौरा करने की उम्मीद है। उन्हें आशा है कि इस कदम से आगामी सितंबर में होने वाले आम चुनाव के लिए अपने प्रचार अभियान को धार देने में मदद मिलेगी। इस आशय का कॉलम इजराइल के एक प्रमुख अखबार में प्रकाशित हुआ है। इजराइल में अप्रैल में हुए चुनाव में सरकार का गठन नहीं हो सका था, इसलिए यहां अब दोबारा चुनाव करवाए जा रहे हैं। नेतन्याहू गठबंधन बनाने में नाकाम साबित हुए थे और देश की संसद नेसेट में मई को हुए मतदान में सांसदों ने 74-45 के अनुपात में बंटकर देश में दोबारा आम चुनाव करवाने का ऐतिहासिक फैसला लिया था। हेरिटेज में कॉलम लिखने वाले योर्सी वेरटर ने लिखा है कि नेतन्याहू की किस्मत दगा दे चुकी है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी के साथ फोटो खिंचवाना उनकी मदद करेगा। उन्होंने लिखा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए यरूशलेम के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि वे दिल्ली से संपर्क कर रहे हैं ताकि नेतन्याहू को दिल्ली से न्योता मिल सके। इस घटना से परिचित सूत्रों ने बताया कि नेतन्याहू की एक दिन की यात्रा पर फैसला किया जा चुका है और यह भारत प्रधानमंत्री कार्यालय ने सुझाव दिया है कि यह यात्रा 25 अगस्त से शुरू होने वाले सप्ताह में हो सकती है। चीन ने कहा ईरान संकट के लिए अमेरिका का धौंस जमाने वाला रवैया जिम्मेदार। चीन ने अमेरिका पर अपनी धौंस जमाने वाली हरकतों से बड़ा वैश्विक संकट पैदा करने का सोमवार को आरोप लगाया और 2015 के परमाणु समझौते की सीमा से अधिक यूरेनियम संवर्धन करने के ईरान के फैसले पर अफसोस जताते हुए संकट से बचने के लिए सभी पक्षों से अत्यधिक संयम बरतने को कहा। चीन ने अफसोस जताया और संकट पैदा करने के लिए अमेरिका की आलोचना की, लेकिन सवालों का सीधा जवाब देने से परहेज किया। राष्ट्रपति चुनाव के लिए कमला हैरिस ने इस साल $2.3 करोड़ जुटाए। कैलिफोर्निया की शक्तिशाली एवं भारत मूल की डेमोक्रेटिक सांसद कमला हैरिस ने राष्ट्रपति पद की दावेदारी की जनवरी में घोषणा करने के बाद से अब तक $2.3 करोड़ जुटाए हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के 20 से अधिक दावेदारों में से एक हैरिस पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो बिडोन को कांटे की टक्कर दे रही है, खासकर हाल ही में हुई पहली प्राइमरी चर्चा के दौरान प्रभावी ढंग से अपनी राय रखने के बाद से वह सुर्खियों में आ गई है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद अब अफगानिस्तान में ट्रेनिंग ले रहे हैं जैश और लश्कर के आतंकी। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों ने अब अपना ठिकाना बदल लिया है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा ने बालाकोट हवाई हमले के बाद हक्कानी नेटवर्क और अफगान तालिबान जैसे चरमपंथी संगठनों से हाथ मिला लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठन अफगानिस्तान के कंधार और कुनार समेत अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास अपना ठिकाना बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक का बदला लेने के लिए आतंकी यहां पर खतरनाक ट्रेनिंग ले रहे हैं। कंधार में भारतीय दूतावास पर आतंकी हमले की खुफिया रिपोर्ट के बाद हाई अलर्ट पर रखा गया है। 14 फरवरी को पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी को पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन अफगानिस्तान में तालिबान के प्रभुत्व वाले इलाकों में सुरक्षित ठिकानों पर छिपे हुए हैं। अफगानिस्तान में ठिकाना बनाने का खुलासा इसी साल हुआ था जब अफगान सुरक्षा बलों ने जलालाबाद से जैश के दो आतंकियों सिद्दीक अकबर और अताउल्ला को गिरफ्तार किया था। सूत्र बताते हैं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट से बचाने के लिए पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन अफगानिस्तान में सीमा पार अपना ठिकाना बदल रहे हैं। FATF आतंकवाद की फंडिंग पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्था है। फिलहाल पाकिस्तान FATF की ग्रे सूची में बना हुआ है। भारत चाहता था कि पाकिस्तान को काली सूची में डाल दिया जाए। अगर पाकिस्तान को ब्लैक सूची में डाल दिया जाता है तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर काफी गहरा असर पड़ेगा। ग्रीस में वामपंथी गठबंधन के युग का अंत, दक्षिणपंथी पार्टी ने हासिल की शानदार जीत। ग्रीस में हुए संसदीय चुनाव में दक्षिणपंथी पार्टी न्यू डेमोक्रेसी ने जीत हासिल की है। यह जीत वामपंथी सिरिजा गठबंधन युग के अंत का संकेत है जो 2015 से सत्ता पे काबिज रही है।